over here for this beautification plan. This is the phase two of the beautification plan. Last year, in April, at the same place, we had started with the beautification plan phase one. And so soon, we are thankful. Shah Rukh Khan ji, you stay right across the road from here, from BBRT. And for last 17 years, we have been taking care of the environment of beautification. And today it is a notified tourist place, one of the 7 tourist spots in Mumbai on the beach. It is that great and all that thing. So we would request you also to please join in this citizens movement. I would request a bouquet to be given to MP Poonam Mahajan ji. Who has been helping out to BBRT ever since, and he's been really effective. So thank you, Ashish ji, so much. Now, one bouquet to Deputy Mayor Alka Kelkar ji. She also has been very, very helpful to BBRT. We now would like to give a bouquet to Deputy Municipal Commissioner Vasant Prabhu. Thank you so much, Prabhuji, for coming over here to BBRT. And another bouquet we would like to give to Assistant Commissioner, Assistant Municipal Commissioner Sharad Kukade. Our friends, we also have among here one architect, Samarth Das, and he has been very helpful during the phase one also. He took care of, firstly, the design of this entire thing is being done by his office. So we would like to honor him by a bouquet, one bouquet to Mr. Samarth Das. जरा वहां पीछे धक्का मत करिए प्लीज एसआरपी के लोग वहां देखिए आप सभी यहां पर आमंत्रित है आप सभी का यहां स्वागत है यहां का स्थानिक विधायक इस नाते में पूनम जी का स्वागत करता हूं साथ में ही हम सब जिसको जानते हैं पहचानते हैं एहसास करते हैं और उसी के साथ साथ जिनका एक फोटो लेने के लिए भी बड़ी मात्रा में आप सब लोग यहां पर आए हैं ऐसे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान जी का भी मैं स्वागत करता हूं और मंच पर हमारी डिप्टी मेयर अलका केरकर डीएमसी प्रभु जी असिस्टेंट कमिश्नर वाड़े जी और बीबीआरटी के हमारे रॉबिन नाथ और उनके सभी सहकारी मित्रों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा ये बैंड स्टैंड का पूरा इलाका ये आज सबब में नहीं पूरे शहर में एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और बीबीआरटी के हमारे मित्रों ने उसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत मेहनत की है हर बार यहां पर छोटी छोटी चीजों के लिए पूरी मेहनत करने का काम बीबीआरटी के हमारे सभी मित्र करते हैं मैं राज्य सरकार का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं कि मैरीटाइम बोर्ड ये स्टेट गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है उस मैरीटाइम बोर्ड को मैंने विनती की थी कि यहां पर इसके सुशोभीकरण के लिए निधि दिया जाए फंड दिया जाए और बीबीआरटी ने यहां फंड दिया और आज यहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू होने वाला है फेज टू का और मैं विशेष रूप से शाहरुख जी का इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने दो दिन तीन दिन पहले उनसे संपर्क किया और मैंने कहा कि आप इस नेबरहुड में रहते हैं यू आर द पार्ट ऑफ दिस नेबरहुड एंड आई थिंक दैट यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस ब्यूटिफिकेशन वर्क एंड विद द शॉर्ट नोटिस ऑफ 3 डेज Shahrukh ji has agreed and he is present here. So I am welcoming him again and thanking all the authorities to sanctioning the fund. Thank you so much. I would request now Poonam ji to please say a few words. As she has been here in Bandstand many times and all and been very, very helpful to us. I had my college days also here. Yes. So. All of us. Isn't it? Main janti hoon kisi aur ko sunna chahte ho. और वो
वो मैं ही हूँ, मैं जानती हूँ। आखिरकार नेता के हक में माइक आ जाए तो अभिनेता भी कुछ कर नहीं पाता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने सोचा हिंदी में बोल दूं, जरा कैप्टिव ऑडियंस हिंदी हो गई है, पूरी हो गई है। थैंक यू वेरी मच आदरणीय आशीष शेलार जी, जो हमारे यहाँ के विभाग के विधायक हैं। इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एमएलए एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम वर्किंग विद हिम। पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बांद्रा एंड दिस ब्यूटिफुल प्लेस। आदरणीय शाहरुख खान जी, जो खुद बांद्रा निवासी बहुत सालों से हैं, एंड ही ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग। Of course, he entertains us, but he's always been supporting so many different concepts, which helps our country to go forward. आज मैं उनको वही धन्यवाद देना चाहती थी कि वो ग्लोबल सिटीजन के की हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी वो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ हम सब अपने रूप से सोसाइटी में कुछ दे पाए, देश को आगे बढ़ा पाए। तो धन्यवाद शाहरुख जी। आदरणीय हमारी डिप्टी मेयर जो पूरे दिन रात काम करते हैं, अलका केर, इज ऑलवेज। आई नो शाहरुख जी हैज टू स्पीक, बट लेट मी स्पीक माइक। ओके, अलका केलकर जी, हु इज ऑलवेज पुटिंग आवर एफर्ट्स टू डू बेस्ट फॉर बांद्रा। रॉबिन नाथ जी, जिन्होंने सालों से इस प्रोमिनाट के लिए अपनी पूरी ताकत दी और पूरी लोगों ने इसमें ताकत दी है। वसंत प्रभु जी, हमारे डीएमसी, हमारे बहुत ही स्ट्रांग एएमसी, जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से जब से उन्होंने यहाँ का भार लिया, शरद उगाड़े जी, ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कुछ ज्यादा कहूंगी नहीं, एक ही अंग्रेजी में कहूंगी कि डेमोक्रेसी नेवर स्टार्ट्स एंड एंड्स विद जस्ट वन वोट। हम लोकतंत्र सिर्फ शुरुआत लोकतंत्र की और अंत सिर्फ एक वोट से नहीं करना चाहते, इट नीड्स पार्टिसिपेशन। जब तक हम इसको इसका सहभाग नहीं करेंगे, सिर्फ एक नेता, एक बीएमसी का ऑफिसर, एक एमपी, एक सांसद, एक बहुत अच्छे कलाकार, लेकिन जब पूरा देश सोचेगा, यहाँ की सोसाइटी सोचेगी, यहाँ के लोग सोचेंगे, रॉबिन जी ने सोचा, तब तक हम उस डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रांग, उस लोकतंत्र को अच्छा नहीं बना पाएंगे। मुंबई ये शहर बहुत ही भरा हुआ शहर है। मुंबई ये ऐसा शहर है जो 25% जीडीपी देश की मुंबई ने दिया है। मुंबई ने एंटरटेनमेंट दिया है, बिजनेस दिया है, यहाँ पे हर कोई आदमी जो खड़ा है, वो हर कोई आदमी कभी भी भूखा सोता नहीं, ऐसी मुंबई की ताकत है। लेकिन इस मुंबई को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं। आज ब्यूटिफिकेशन, इसके पहले यहाँ पे पहला काम हुआ था, यहाँ की सारी अच्छाई हुई थी, उसके बाद हमने सोचा दूसरा पड़ाव इसका ब्यूटिफिकेशन करें। लेकिन इस ब्यूटिफिकेशन के साथ मैं इतनी अपेक्षा करती हूँ कि हम इतना सुंदर माहौल सब जगह बनाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत कह रहे हैं, सुंदर अपना भारत कह रहे हैं, लेकिन जब ये बना जाता है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जैसे रॉबिन जी और उनकी पूरी टीम है, मैं अपेक्षा करूंगी कि जनता भी, कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं, सरकार की प्रॉपर्टी करके छोड़ देने से अच्छा नहीं, ये प्रॉपर्टी जितनी मेरी सरकार की उतनी मेरी भी है और सबकी भी है, उसी के लिए अपना पार्टिसिपेशन दिखाएगी तो ही लोकतंत्र में ताकत होगी और ये ब्यूटिफिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और शाहरुख जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समर्थन दिया। आशीष जी, यू ऑलवेज बीन अ रॉक स्टार हियर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू एवरीवन। भारत माता की जय। नाउ फाइनली हैज बीन वेटिंग फॉर Shahrukh Khan to please say a few words. Thank you very much and good evening to everyone. Namaskar, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा उन सबका जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, जिसमें हमारी एम पी साहिबा पूनम जी सबसे प्रथम है, और मैं इनको बहुत पहले मिला था जब ये छोटी सी बच्ची थी, अभी भी वैसी ही है, लड़कियों के सामने ऐसा नहीं बोलते कि वो बड़ी होगी, वैसे ही लगती है। और ऑफकोर्स आशीष साहब जो बहुत मेहनत से यहाँ बांद्रा के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है, दोस्ती है। एंड अलका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग ऑल दैट यू डू। रॉबिन साहब, वसंत साहब, शरद साहब और जितने भी लोग हैं, पूरी आर्किटेक्ट कंपनी जिन्होंने यहाँ डिज़ाइन किया है। और मैं अभी अभी कल ही पहुँचा हूँ, कुछ 3 महीने के दौरे के बाद मैं यूरोप में था, अमेरिका में था, शूटिंग पे था, और सच कहूँगा जैसे यहाँ पर आया तो दिल में पहली बात यह आई कि सारे जहाँ से अच्छा बैंड स्टैंड हमारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। हिंदुस्तान तो है ही, लेकिन हमारे लिए यही जगह है जहां हम घर आते हैं, सोते हैं, रहते हैं। मैं 15-17 साल से यहां पर रह रहा हूं, और 15 years ago this drive was started by all the organizations and by the help of the BMC and everyone involved here, and this one is of course working on the fund of the maritime board, जिन्होंने एक फंडिंग शुरू की है कि कोस्टल जो रीजन है उनको स्ट्रेंथन किया जाए एंड मोर देन दैट ब्यूटिफाई किया जाए। और मैं तब से यहां पर रह रहा हूं जब ये सब नहीं था और बहुत मुश्किल होती थी, पत्थरों पे चलना पड़ता था, कच्चा सा सड़क था, एंड द फर्स्ट फेज
has already happened in the second phase, jo jo cheeze hain abhi Ashish sahab ne aapke samne enumerate ki bataye, all of them are going to just make this so wonderful and become a tourist spot. Mujhe thodi takleef hoti hai, selfie zyada khichani padti hai, mujhe ye tourist spot ban gaya hai. But otherwise, main raat ko yahan pe 2:30 baje apne bachon ke sath aata hu, chupchap se I roam around here, and this is going to be an ongoing process. ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है कि बना दिया और छोड़ दिया, ये हमारा एक्चुअली फर्ज है कि इसके बाद हम इसको और खूबसूरत रखें. हमारी जगह है, हम चाहे विजिट करने आए एज टूरिस्ट और एज पीपल हु लिव इन बांद्रा एंड बैंडस्टैंड, आई थिंक इट्स अ ड्यूटी टू ट्राई एंड कीप इट सस्टेन्ड, कीप इट ब्यूटिफुल, कीप इट प्रिटी, बिकॉज ये हमारे घर का एक्सटेंशन है, ये हमारा घर ही है. सो उसी की तरह इसको हम साफ रखें, सुंदर रखें एंड आकर्षित रखें कि लोग यहाँ पर बार बार आ सकें. सो थैंक यू वेरी मच ऑल दी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, Poonam ji, Ashish saab, everyone who's gotten together, and I would genuinely like to say at this time, I'm a Bandra resident, a bandstand resident, that anything that I can offer in terms of sustainable beauty that can be kept in Bandra, I'm always ready to come and do it. Main Ashish saab ko keh bhi raha tha, agar aap kaho to main pura yahan pe dialogue baazi aur gaane bhi shuru kar sakta hu. जब थर्ड फेज का खत्म हो जाएगा इल्यूमिनेशन का, जो मुझे आशीष साहब ने समझाया, तो उसके बाद हम ऐसा रखेंगे हर महीने के महीने हम परफॉर्म करेंगे. मैं सलमान को भी कहूंगा, वो करेगा, तो हफ्ते हफ्ते यहाँ पे इनफ एक्टर्स रहते हैं यहाँ पर आकर परफॉर्म कर सकें. बट थैंक यू वेरी मच, और क्योंकि सारी जनता यहाँ पर है तो मैं एक डायलॉग बोल देता हूँ. इनअप्रोप्रिएट डायलॉग नहीं बोलना चाहता, मैं देवदास का बोलने वाला था, लेकिन किसका? ओके, किसी को याद है क्या था? ओके, अम्मी जान कह दी थी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता. थैंक यू वेरी मच, आई विल गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू मीडिया फॉर कमिंग हियर एंड make bandstand look even more beautiful. And thank you, Poonam, once again. Thank you, Ashish sir. Thank you, Alka ji, everyone present here. I mean, sir, thank you. Thank you.